मेरे हस्बैंड के पास ना दुनिया के सारे एक्सक्यूजेस मिलेंगे। वैसे तो वो सुपर बिजी रहते हैं, बट आज मुझे बोल रहे हैं मुझे तुम्हारे साथ ड्राइविंग तुम्हारी चेक करने जाना है। सैटरडे को मैं दीपक को यहाँ पे टेस्ट ड्राइव के लिए लेके गई थी कि मैं कैसे चलाती हूँ, तो दीपक का के सांस रुकने वाले थे। हाय 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 प्लीज ब्रेक लगा ब्रेक लगा। अरे मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं चला सकती हूँ, तो दीपक पता क्यों डरे पड़े थे। ठीक है, उसके बाद फिर आज हाईवे पे मुझे नहीं जाने दिया, जस्ट यहाँ पे सर्विस लेन वगैरह में घुमाया। तो आज बोलते कि चलो तुम्हें मैं तुम्हारे पीछे बैठूंगा और देखता हूँ कैसे, तभी तुम्हें हाईवे पे जाने के लिए अलाउ करूंगा। पहली बात तो ये है कि मैं घबराया था ना, क्योंकि नॉर्मल है और विश्वास रखना चाहिए। जब दीपक ने ट्रैफिक स्टार्ट करी थी तब मैं दीपक बोल रही हेलो, सारा टाइम मैं ठीक ही था। एक जगह से सर्विस रोड से यू टर्न मारनी थी, तब पीछे वाला हॉर्न मार मार के, तो हॉर्न मारना तो वो तो है ही। देखो मैं नहीं, ऐसा हॉर्न तभी मारता है जब गाड़ी अपने बीच, कई लोगों का पेशेंस ही नहीं होता। ठीक है, एनीवेज तो आज साथ में जा रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? कुछ नहीं, मैंने बोला बोला ही नहीं है। वैसे भी आज जो मेरे सर है वो नहीं आ रहे, उनके ड्राइवर पिछली सीट पे बैठूंगा और एम्बर भी जा रही साथ में, वो बोल सोनिया का लेन वगैरह का जो वो है वो चीज मेरे को बस देखनी है कि सही है कि नहीं। इतनी पतली है ना दीपक की भुआ की आवाज ऐसी है, पतली आवाज। अच्छा बोलो वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी बोलो। दिस इज नॉट फॉर ईटिंग, जाओ ना, नहीं नहीं कर लो डैडा के साथ, गो नो। क्यों मम्मा वर्किंग ना बेटा? व्हाट आई एम वर्किंग, मम्मा वर्किंग, मम्मा काम कर रही है ना अपना। अच्छा आपको आपको नानी हाउस जाना है, दादी हाउस जाना है, मायरा हाउस जाना है? मायरा नानी हाउस गई है, वो वापस भी आ गई वहां से। तो आपको स्कूल जाना है? कहाँ जाना है आपको? हाँ स्कूल हॉलीडे है। अच्छा अच्छा, नाइट सूट में नहीं जाएंगे ना हम लोग, न्यू क्लोथ्स पहन के जाएंगे। सुपर मार्केट जाना है आपको? क्या लेना वहाँ से? क्या लेना वहाँ से शॉपिंग करनी है? अच्छा यू वांट टू गो टू सुपर मार्केट, वहाँ पे क्या लेना आपको? ओके गो। ओके गाइस, तो आज मुझे को मॉर्निंग में मैंने ज्यादा घर के काम नहीं करे हैं, जस्ट मैं सब्जी वगैरह बाद में बनाऊंगी क्योंकि दीपक के बाद में कॉल शुरू हो जाएगी तो मैं वीडियो नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे फिल्म करना था वीडियो, तो उसके लिए मैं फटाफट रेडी हो रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो दो मिनट बात भी कर लेती हूँ। तो जब से अभी एम्बर का वेकेशन चल रहा है तो थोड़ा रिलीफ है, नहीं तो स्कूल के टाइम पे मैंने ड्राइविंग भी स्टार्ट कर दी थी, और ड्राइविंग स्टार्ट करी तो बहुत हैक्टिक हो गया था। अब मेरे सारे लेसन कंप्लीट हो गए हैं, एक पेंडिंग है लास्ट वाला, वो शायद आज लेती हूँ, मतलब थोड़ा सा लेजी हो गया। दिख ही नहीं रहे हो मैंने अपने हस्बैंड का नंबर चूज किया है तो दिखूंगा कहाँ से? नीचे मुझे थोड़ा सा, मैं रहता ही नहीं हूँ 9th फ्लोर पे, मैं 10th पे रहता हूँ। जिंदगी में एडजस्टमेंट कई बार करनी पड़ती है। अरे 10th फ्लोर पे आगे बात करो। हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। अरे नीचे हो ना। अच्छा ठीक है, ओके फाइन बोलो। ओके ऑलराइट बाय बाय। और मैं फटाफट होके रेडी, जब तक नहाएगी तब तक मेरी मतलब मेकअप हो जाएगा, और साथ में मैंने अभी वॉशिंग मशीन में कपड़े करे हुए हैं, रखे हैं वॉश के लिए, तो वो होंगे, उसके बाद सुखाऊंगी, फिर वीडियो करूंगी, फिर वीडियो करने के बाद में मैं खाना बनाऊंगी। यस, तो लास्ट का मन में जैसे बता रही थी कि थोड़ा ऐसे था, ऐसे अजीब सा रहा है क्योंकि एम्बर बीमार थी, तो एम्बर ठीक हो गई थी जब स्कूल जाने, फिर से स्कूल भी गई है उसके बाद में, बट लास्ट वीक क्या हो रहा था, रात को 2 बजे के बाद इसको फीवर हो रहा था, उसकी वजह से हम भी नहीं सो पा रहे थे, तो मतलब 103 ऐसे 103 104 ऐसे फीवर हो रहा था, तो हम लोग फिर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बोला कि अभी बच्चे को फीवर आएगा ही आएगा, क्योंकि बच्चा बाहर जाता है तो होगा ही होगा, और अलग अलग तरह के वायरस वगैरह होते हैं, तो डोंट वरी फीवर है, साथ में अगर थोड़ा थोड़ा नाक बह रहा है तो इट्स टोटली फाइन, आप बहुत ज्यादा फीवर हो तो ही हम इसको मतलब थोड़ा पैरासिटामोल कैल्पोल वगैरह दो,
तो हम लोग बस वही दी, तो फिर मैंने, मेरा मन नहीं मान रहा था, मैंने क्यों इतना हो रहा, तो मैंने उसका टेस्ट करवाया, तो टेस्ट रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल आई है। तो अभी फिर रिलीफ मिल गया कि नहीं सब कुछ ठीक है, कोई ऐसे इन्फेक्शन वगैरह नहीं है, इट्स जस्ट, और अभी ये ठीक भी हो गई है फिर उसके बाद से। तो वो है, तो ड्राइविंग क्लास के बारे में बहुत लोग पूछ रहे थे कि कितने की है, तो मैंने 15 लेसन लिए थे, यूजुअली 20 लेसन होते हैं अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो 20 है, अगर आपके पास लाइसेंस है तो 15 होंगे लेसन, तो वो लाइसेंस भी देते, तो फी अलग अलग होती है। तो यहाँ पे फी मतलब छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी का होता है, तो छोटी गाड़ी अगर आप करते हो जैसे वैगनार वगैरह भी सीखते हो, तो उसका होता है 5000, और अगर आप डिजायर वगैरह सीखते हो तो उसका 6000। तो मैंने डिजायर सीखी है क्योंकि हमारी भी थोड़ी बड़ी वाली है, तो इसीलिए मैंने उसके हिसाब से सीखी है गाड़ी। फिर एक अभी दीपक को लेके गई थी लास्ट वीक मैं अपनी गाड़ी पे, और दीपक के सांस सूख गई, बस 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 बस। नो, मैंने कहा यार मतलब मैं डर नहीं रही हूँ, आप क्यों डर रहे हो, तो प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा ना, अभी आ गई है। तो ये शर्ट तो इतनी लूज है, दीपक बोलता है तूने मेरी शर्ट पहनी, लुक एट दिस, ठीक है चलता है। तो ये आजकल एक मेरी फेवरेट लिपस्टिक जो मैं ज्यादा यूज कर रही हूँ वो ये है देहातन शेड, दिस इज बाय द ब्रांड, वेस्ट साइड से ली थी, शेड नंबर है मैट एम्बिया 31, ब्राउन शेड है ये, इंडियन स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है ये। एक्चुअली मैं वॉशरूम में खड़ी हूँ तो थोड़ा कलर अलग दिख रहा है, यहाँ पे लाइट येलो है कलर की है, बट अभी तो मैं टेंट लगाने वाली हूँ, ये टेंट अच्छा है लिप्स के लिए, चीक्स के लिए। अभी रेडी, और अभी रेडी होके मुझे बाहर कपड़े ड्राई करने हैं, और उसके बाद सोच रही हूँ ब्रेकफास्ट में, मैंने आज जो प्रोटीन शेक ये भी पिया है, बॉइल्ड एग्स अभी खाऊंगी, वो साथ में खाती होंगी जब मैं वीडियो करूंगी। हाँ, सो वीडियो हो गई है, अभी मैं बना रही हूँ सब्जी, और सब्जी में है भिंडी की सब्जी। दीपक अभी क्या कर रहे हैं, दीपक की एक ड्यूटी है कि फटाफट आओ और वाटरमेलन काट के खुद भी खाओ और मुझे भी खिलाओ। दोस्तों ये जो वाला ये वाला जो वाटरमेलन है ना, इसमें सीड नहीं है, मतलब है तो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो निकालने नहीं पड़ते, 10 रुपए ज्यादा लगते हैं, लेकिन मेहनत के हिसाब से देखा, मेहनत क्या, वो वाटरमेलन सीड अच्छे होते हैं, हम लोग अलग से मार्केट से लेते हैं, दूसरे दिन के दांतों में छेद है, तो पहले से ध्यान रखो ना, दो बार ब्रश करते हैं बचपन से, जैसे एम्बर करती है, आप भी ध्यान रखो। आप जो ब्रश करता हूँ, इट इज लाइक इट इज ऑलरेडी टू लेट, इसीलिए बोलते हैं हेल्थ का ध्यान रखो, हेल्थ सबसे जरूरी है। सी कि मैं जब कुकिंग करती हूँ तो मेरा बच्चा क्या करता है, तो अभी उसका स्क्रीन टाइम है, तो वो स्क्रीन टाइम कैसे यूज कर रही है वो दिखाती हूँ। हाय एम्बर, क्या कर रहे हो आप, स्विमिंग कर रहे हो, हाँ ये लेके आई है ये किचन में, और इसमें बैठना है इसको, ये लास्ट ईयर तक इसमें एम्बर इतनी सी लगती थी, अब ये लग रहा है बहुत छोटा सा हो गया है। ये छोटे बच्चे के साथ आप क्या डेकोर कर सकते हो घर में, ये होता है सब कुछ। न्यूडल्स मामा बना रही है ना, तो अभी इसको न्यूडल्स खाने हैं, न्यूडल्स मतलब सेवियां। अगर इसको मैं मैगी दूं या दूसरे वाले हाका न्यूडल्स दूं, ये नहीं खाएगी, इसको वो पसंद नहीं, इसको सिर्फ सेवियां पसंद है, तो अच्छी बात है कि ये अच्छा खाती है। तो अभी मैं इसके लिए जस्ट कैरेट न्यूडल्स बना रही हूँ, कैरेट सारी ऐड करके, ये वाली है। ओके टेल मी व्हाट इज, क्या लिखा है इस पे, क्या लिखा है ये पढ़ो, क्या लिखा है ये, हाँ हाँ, ये क्या है, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे थोड़ी है, ये क्या है, हैप्पी बर्थडे मम्मा का बर्थडे,
दिस इज माई लंच, भिंडी की सब्जी, ज्वार भाखड़ी, दही और साथ में एक कृष्ण। क्या चाहिए आपको? What do you want? रोटी चाहिए, साथ में स्पाइसी चाहिए और साथ में दही चाहिए, है ना? इसको दही इतना पसंद है ना, इसने दूध बंद कर दिया और बस। तो अभी एम्बर का है। हेलो, क्या कर रहा बच्चा? ओहो, सैन में आए हैं और ऊपर से हवा आ गई, इतनी मिट्टी उड़ गई, हवा आ गई, हवा आ गई। समर तो समर मतलब पार्क जो है वो बिल्कुल फुल रहेंगे बच्चों के साथ में, स्विमिंग के साथ। एम्बर को स्विमिंग पसंद ही नहीं आई है, उसको लगता पानी कोल्ड। तो जो घर पे पूल लेके घूम रही थी उसमें भी हमने इसको बिठाया, बट इसको पैरना नहीं है। नॉर्मल नहाना पसंद है बट पूल में आके इसको पसंद नहीं है, तो पूल में इसका अभी बंद ही हो गया। देखते हैं इसकी जो मतलब कई हैबिट्स है, बहुत चेंज हुई है, फूड हैबिट्स। जैसे कि कोई चीज़ उसको पहले पसंद थी वो अब पसंद नहीं है, देन कई चीज़ें नहीं पसंद थी वो अब पसंद है, और वैसे ही खेलने कूदने की कई चीज़ें ऐसी हैं जो उसको पहले पसंद थी अब नहीं है, चेंज होती रहेंगी चीज़ें। तो अभी इसके बाद मुझे ट्यूसडे को हमारे यहाँ पे वेजिटेबल मार्केट होता है, नीचे ही होता है, तो वहाँ पे अच्छी आती है सब्ज़ी, तो मैं वो लेके आऊँगी। देखती हूँ क्या बनाना है। और ऑलमोस्ट 10 डेज़ हो गए कि मैं जिम आके मैंने वर्कआउट नहीं करा, बिकॉज अम्बर की तबीयत ऐसे ऑन एंड ऑफ थी, और मॉर्निंग में जैसे इसको फीवर हो रहा था तो मैं घर पे ही कर रही थी वर्कआउट। वर्कआउट में मिस नहीं करती हूँ, कोई कुछ भी हो जाए थोड़ा करूँ, बट करती ज़रूर हूँ। तो अभी कल से सोचती हूँ वापस फिर से करूँ, अभी गर्मी भी हो रखी है ना, तो थोड़ा ऐसे होता है। नो, डोंट टच इट, डर्टी 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 एम्बर, एम्बर डर्टी है वो। कम लेट्स गो सुपरमार्केट, सुपरमार्केट चले, लेट्स गो। इसको यहाँ से निकालना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट। आई मीन सोच के आना पड़ता है कि इसको पूरा प्लान बनाना पड़ता है इसको। एम्बर लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। मैं इधर आऊंगी तो ये उधर चली जाएगी। लेट्स गो होम, बाय का तू दीदी को। No, you want to play with Didi? No. No? You want to go? No, no, no. We are going, Amber. We are going to supermarket. Chalo. Bye. Bye. See you soon, Amber. Huh? Riddhi Siddhi. आपका नाम रिद्धि सिद्धि है? आप बहन सिस्टर्स हो? कभी आपने चोरी चोरी देखा है कि बच्चा आपका खाना खा रहा है या दिखा रहा है? अगर उसके सामने जाऊंगे ना तो वो खाना खाना छोड़ देती है, जब फ्रूट्स वगैरह। तो अभी मैंने उसको मैंगो दिया है, लेट्स सी कि वो खा रही है नहीं खा रही है। क्या कर रही है एमा? मैंगो खाया आपने? मैंगो खाया? व्हाट आर यू डूइंग विद मैंगो? क्या कर रहे हैं मैंगो के साथ आप? ईट अ मैंगो? नो, मुझे पूरा विश्वास था मेरी बेटी नहीं खाएगी। उसका मूड होता है मैंगो खाने का, मतलब जब वो 1 से 2 साल की थी तो उसको पसंद था, फिर उसको नहीं पसंद था। मैं बचपन में बहुत खाती थी मैंगो, मुझे बहुत पसंद थे, बट अब मैं मुझे भी इतनी पसंद नहीं है। तो अभी सारी ग्रोसरी लेके आई हूँ, फ्रूट्स लेके आई हूँ, वो सेट करने हैं, मुझे खाना बन रहा है, दूध बॉयल हो रहा है। लास्ट मंथ बहुत स्ट्रेसफुल रहा है, बैक टू बैक काम और एम्बर की तबीयत ऐसी थी, तो रिसेंटली उसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से मैंने फील किया है कि मेरे जो हेयर फॉल काफ़ी हो रहा है। तो हेयर फॉल तभी होता है जब स्ट्रेस होता है मुझे तो, और या थोड़ा सा वेदर चेंज होता है, तो ये रीज़न होते हैं। तो अभी मैं ऑयलिंग करवाने वाली हूँ और दीपक बर्तन धो रहे हैं,
मैं दिखाना चाहूंगी कि वो बर्तन धो रहे हैं, पता क्यों? क्योंकि मैंने सारे बर्तन अभी वॉश करे हैं, किचन क्लीन करी है। आप देखो इनसे पूछो बर्तन कौन धो रहा है, पूछो जरा। वो मैटर नहीं करता क्योंकि अभी जस्ट मैंने फोन उठाया व्लॉग करने के लिए। ये सारे बर्तन धो के रखे, एक प्लेट आखिरी में संभालो मेरी, चलो कसम के नाम बर्तन धोने के लिए कसम। देखा सच पता चल गया। तो जस्ट एक प्लेट है, मैंने दीपक को ये ट्रेनिंग शुरू से दी है कि भाई एक अपनी प्लेट अगर एंड में बचती है ना, सारी किचन क्लीन है तो वो साथ के साथ करनी चाहिए। और आई डोंट थिंक इसमें कोई शेम है लड़का करे या लड़की करे बर्तन धोए, है ना भाई? मैं तो शाम से पानी हो जाता हूँ जब बर्तन धोता हूँ। क्लीन कर दो आज प्लीज। बर्तन धोए हैं, हाथ मेरे थक गए हैं। देखा जिसको काम नहीं करना था वो ऐसे करता किचन में। फिर भी बर्तन धोने के बाद में काम करूंगा, आपके मसाज भी हेयर मलाई कर दूँ तो क्या होगा? हाँ आप जी थक जाएंगी, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। एक तो आप ये ग्लासेस लगा के आप रखते ही नहीं हो कि दीपक है। अच्छी बात है, दो दो हस्बैंड आपके। हो चॉकलेट खाओगे ना मेरे को दे चॉकलेट प्लीज, आज हेडेक हो रहा था, थोड़ा सा डार्क चॉकलेट खाया जाए। ये डार्क नहीं, सॉरी छोड़ो, कोई बात नहीं, अगली बार खा लूंगा।